हाँ तो आ गए आप लोग। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे लड़के से मिलाना चाहता हूँ, ऐसा लड़का जो कहता है कि मैं पीछे लड़कियाँ पागल, फिर भी मैं सिंगल हूँ, जो कहता है कि उसके जैसे दुनिया में कोई नहीं है, जो कहता है मैं बहुत महान हूँ और मैं हूँ सिंगल, लौंडों का मसीहा। तो आओ यार मिलते हैं इस लड़के से और वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। भाई अगर कभी दुनिया की सबसे गंदी चीज देखनी हो तो अपने मोबाइल का सेल्फी कैमरा ऑन कर लेना प्लीज। आए हाय बंदे की स्माइल तो देखा जा रहा। इस बंदे ने महंगा सा मोबाइल खरीदा और अपनी एक सेल्फी खींची। आए हाय कितना सुंदर दिख रहा हूँ मैं, किसी की नजर ना लगे मुझको। यार ये तो इतना अच्छा है पर लेकिन अभी तक सिंगल क्यों है, क्या बात है। चलो यार आगे देखते हैं और सुनते हैं ये क्या बताना चाहता है अपने बारे में। मेरे बराबरी करने का क्यों सोच रहे हो भाई, मैं अगर अभी 10 मिनट के लिए मोबाइल ऑफ कर लूँ ना तो 50 लड़कियाँ सुसाइड कर। इसको तो बहुत कॉन्फिडेंस है अपने पे, पर नहीं यार लेकिन हम तेरी बराबरी क्यों करेंगे, क्यों करेंगे हम, हमारे किसी पागल कुत्ते ने काटा है, हम तेरी बराबरी क्यों करें। नहीं नहीं हमारे कोई काम नहीं है, काम धंधा नहीं है हमारे पास कोई, तेरी तरह फालतू की वीडियो बनाते रहे हम हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जिन 50 लड़कियों की ये बात कर रहा है ना, वो 50 बार इसे ठुकरा कर चली गई है, वो लड़कियाँ इसकी शक्ल देख के बेहोश हुई है ना कि इसके फ़ोन बंद करने से। आइए सुनते हैं ब्रह्मांड का प्राणी और क्या क्या कहना चाहता है। मैं कुछ जरूरी काम से चांद पे जा, किसी को अपने जानों के लिए तारे मंगवाना हो तो बोल दो लेके आ जाऊं। अबे चांद में किसने बुला दिया इसको, और चांद में इसको ऐसा क्या काम पड़ गया हो भी जरूरी। अबे साले और एक बात बता, चांद में कौन बेच रहा है तारे, नहीं कौन बेच रहा है ये तो बता दे हमारे को। नहीं चांद के पास और कुछ काम नहीं है कि तुम्हारे को तारे दे है, नहीं चांद के पास और कुछ काम नहीं है, वो बेले बैठा है कि हे प्राणी जिस जिस को भी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए तारे चाहिए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तारे दूंगा साथ में प्यार भी दूंगा। भाई मम्मी कहती है बदमाश लड़कों से दूर रहो, लेकिन मम्मी को क्या पता कि इन बदमाश लड़कों का लीडर ही मैं हूँ। बहुत बड़ा बदमाश है ये, तुम लोग यकीन नहीं करोगे, ये ऐसे काम करता है कि तुम्हें कानो कान खबर तक नहीं होगी कि इसने किया क्या है। आज की जनरेशन जितनी बिगड़ी है इसकी वजह से बिगड़ी है भाई। यार कोई भाड़े की गर्लफ्रेंड बन जाओ, रोज शॉपिंग कराऊंगा। अरे यार लड़कियों बन जाओ ना इसकी गर्लफ्रेंड, इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा, रोज शॉपिंग करवाने का वादा कर रहा है बंदा। यार तेरी शक्ल और तेरे हुल्ले को देख के लग रहा है ना कि तूने खुद एक साल से शॉपिंग नहीं की है। नीज ऐसी शक्ल और बालों में जब पान का रंग लगाया है तो कोई लड़की क्यों नहीं पिघलेगी। मैं सिंगल था, सिंगल हूँ और सिंगल ही रहूंगा, है किसी लड़की में इतना हिम्मत तो मुझे पटा के दिखा दे। अबे कितने पीछे पड़ेगा लड़कियों के, बस कर कंट्रोल कर ले अपने आप को। अरे लड़कियों क्या कर रही हो, अब तो चैलेंज दे दिया खुला इसने, इसे कोई पटा के दिखा दे। भाई मैं बता रहा हूँ ना किसी चीज़ की हद होती है, पर जिस स्पीड से लड़कियों के पीछे पड़ा है ना मैं सच बता रहा हूँ, ऐसे लोग विश्व शांति के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। लड़कियों सोच लो भाई, जो भी एक्सपेरिमेंट करना चाहता है कर सकता है, पर एक बात सुन लो ये आदमी आग निकल लेता है। भाई अगर न्यूटन हिंदुस्तान के जगह पाकिस्तान में पैदा हुआ होता तो उसके ऊपर सेब के जगह बम गिरता, फिर उसका सारा फिजिक्स निकल जाता। अबे गधे क्या बात कर रहा है ये, न्यूटन क्या हिंदुस्तान में पैदा हुआ था। भाई मुझे पता चल गया, जैसी इसकी शक्ल है ना वैसी इसकी अक्ल भी है, शक्ल और अक्ल दोनों घास चरने जा चुकी है। भाई मैं बता रहा हूँ अब इसका कुछ नहीं हो सकता, मतलब कुछ नहीं हो सकता। सर मैं 125 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, मेरी भी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए या नहीं? ना ना नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ये पाप होते हुए हरगिज नहीं देख सकता। सुन बे ठुल्ले, जिस 125 करोड़ वासियों से तूने पूछा है ना ये, उस सबका जवाब ना है, ओनली ना। देखो यार मैं कहता हूँ ना इस दुनिया में सबको प्यार मिलना चाहिए, सबको, लेकिन इसको नहीं, ये मैं सच में चाहता हूँ, बिल्कुल सच, इसको नहीं मिलना चाहिए। कुछ दाढ़ी वाले लौंडे समझते हैं कि उनसे बंदियां सेट हो जाएगी, लेकिन कभी मेरा फेसबुक और व्हाट्सएप खोल के देख लेना, लड़कियों का लिस्ट खत्म ही नहीं होगी। नहीं 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 एक मिनट दोबारा बोल, जो तूने अभी बोला अभी दोबारा बोल। कुछ दाढ़ी वाले लौंडे समझते हैं कि उनसे बंदियां सेट हो जाएगी, लेकिन कभी मेरा फेसबुक और व्हाट्सएप खोल के देख लेना, लड़कियों का लिस्ट खत्म ही नहीं होगी। भाई बहुत हो गया, ऐसे शब्द बोलने के लिए मैं इतनी देर से चुप था, पर इसने मेरे जैसे दाढ़ी वाले लौंडों के बारे में जो बोला है ना, अब मैं नहीं रुक सकता। तेरी माँ भाई बहुत हो गया, अब इस लड़के को और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो गाइज आज के लिए इस बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वो जो लाल कलर का बटन दिख रहा है उसे सिंगल होकर दबाओ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दबाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।